गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. यस, हाउ आर यू? यस बच्चों, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 3 का फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स, इसके बारे में, यानी कि फंक्शन यानी कार्य किसके बॉडी पार्ट्स, यानी अपने जो ये हैंड्स, माउथ, लेग्स, इनके फंक्शन यानी अलग अलग काम होते हैं इनके. यस, इनके फंक्शन के बारे में हमने जाना है. एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स कौन से होते हैं जो हम लोग देख सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं? द सी एक्सटर्नल सी बॉडी पार्ट्स, उनको बोलते हैं एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स. और जो नहीं देख सकते उनको बोलते हैं इंटरनल बॉडी पार्ट्स. तो हमने एक्सटर्नल बॉडी पार्ट में से हम लोगों ने कौन कौन से किए थे? हैंड्स, फिंगर्स एंड आर्म्स के किए थे. और नेक्स्ट किसके किए थे? लेग्स एंड फिट्स के बारे में, फंक्शन के बारे में जाना था. आज हम लोग करेंगे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट में से शोल्डर एंड बैक, अदर माउथ. यस, किस किस के बारे में जानेंगे? शोल्डर, बैक एंड माउथ के बारे में. फर्स्ट है अपना शोल्डर एंड बैक के बारे में. यस, इनके क्या फंक्शन होते हैं इनके बारे में जानेंगे. तो एस एच ओ यू एल डी ई आर एस, शोल्डर्स, ए एन डी एंड बी ए सी कैप, बैक. शोल्डर एंड बैक, शोल्डर ये होते हैं बैक, पीछे पीठ. यस, इनके फंक्शन भी होते हैं, अलग अलग फंक्शन होते हैं. तो क्या होते हैं ये हम लोग आज जानेंगे. तो फर्स्ट है इसका, वी हैव टू शोल्डर एंड ए बैक वी. यस, अपने पास टू शोल्डर है और बैक कौन सी है? एक ही है. यस, इसका फर्स्ट फंक्शन है ले, एल ए वाई ले, डी ओ डब्ल्यू एन डाउन. ले डाउन यानी सो जाना, पीठ के बल सोते हैं हम लोग. यस, ले डाउन यानी सो जाना, लेटना. नेक्स्ट सेकंड है अपना सी ए डबल आर वाई, कैरी, एल ओ ए डी एस, लॉड्स. कैरी लोड्स यानी कैरी मीन्स उठाना, कैरी करना यानी भार लेना, लोड्स यानी भार. पीठ के शोल्डर के बल से ही हम लोग, इनकी मदद से ही हम लोग किसी चीज़ को उठाते हैं अपने कंधों पे. बहुत हैवी होते हैं, उनको अपन आराम से इजीली अपने, जैसे आपका स्कूल बैग है, इसमें कितनी सारी बुक्स होती है, तो आप किस पे कैरी करते हो? अपने बैग पे कैरी करते हो पीठ के थ्रू. यस, तो शोल्डर एंड बैक का क्या काम है? कैरी लोड्स यानी भारी वस्तुओं को भी उठाना. नेक्स्ट नंबर थर्ड है ऑन अवर शोल्डर्स एंड बी ए सी के बैक. यस, ले डाउन यानी लेट जाओ, कैरी लॉड्स यानी भारी चीज़ों को उठाना. यस, ऑन अवर शोल्डर एंड बैक वी पुश थिंग्स, डब्ल्यू आई टी एच, विथ द सॉरी हेल्प ऑफ अवर शोल्डर्स. ऑन अवर शोल्डर हैंड बैक वी पुश थिंग्स विथ द हेल्प ऑफ अवर शोल्डर्स, यानी कि किसी वस्तु को आगे की तरफ ले जाते हैं, तो किसकी तरफ, किसकी में यू मदद से ले जाते हैं अपन? यस, शोल्डर एंड बैक की वजह से. अब अगर किसी चीज़ को भारी है उसको हम आगे ले जाते हैं, जैसे आपका बैग है,
तो यहाँ से स्कूल ले जाते हो, आप लोग क्या करते हो, अपने शोल्डर पे कैरी करते हो ना उसको, यस, पीठ पे। तो किसी चीज वस्तु को आगे की तरफ ले जाना क्या होता है, किसका यूज होता है, अपन किसका फंक्शन होता है, शोल्डर एंड बैक का। नेक्स्ट है अपना माउथ, ये तो हम लोगों ने शोल्डर एंड बैक का किया था, अब हम करेंगे माउथ का। माउथ का क्या फंक्शन होता है इसके बारे में जानेंगे। यस, माउथ से क्या क्या करते हो आप लोग, यस, खाना खाते हो, बोलते हो, गाना गाते हो, यस। तो यही चीज़ फंक्शन होते हैं, जो काम जो ये करता है उसकी वही फंक्शन होता है, जिस इसका क्या काम है वही इसका फंक्शन है। तो माउथ का फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, फर्स्ट है ईएटी, ईट, इट मींस खाना खाना। आप मुंह से ही खाना खाते हो, अगर मुंह नहीं हो, माउथ नहीं हो, तो आप खाना खा सकते हो, नो, नहीं खा सकते ना, यस। नेक्स्ट है अपना नंबर सेकंड, एस पी ए के, स्पीक, यस, स्पीक मींस बोलना। आप मुंह है तभी तो बोल पा रहे हो, अगर मुंह नहीं हो तो आप नहीं बोल सकते ना, यस। नंबर थर्ड है माउथ के बगैर आप लोग बोल सकते हो, स्पीक कर सकते हो, नो। नंबर थर्ड है लाफ, पिंग, लाफ क्या होता है, लाफ, ईट, स्पीक एंड लाफ, लाफ मीन्स हंसना, यस। अपन एकदम हंसते किससे, माउथ से हंसते ना, एकदम खिलखिला के जोर जोर से हंसते ना बच्चे, अगर कुछ शैतान बच्चे क्लास में कोई भी एक जोक मारता है तो सारे बच्चे कैसे हंसते, एकदम लाफ, एकदम मस्त से होके हंसते हैं ना, लाफ मीन्स हंसना। तो हम अपने माउथ के क्या क्या फंक्शन है, ईट यानी खाना, स्पीक यानी बोलना, लाफ यानी हंसना। तो आज हम लोगों ने शोल्डर एंड बैक एंड माउथ के बारे में जाना, इनके फंक्शन के बारे में जाना। तो ये हम लोगों का हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर रीड करेंगे। तो ओपन योर बुक पेज नंबर 10, ओपन योर बुक पेज नंबर 10, अब हम लोग चैप्टर रीड करेंगे सारा, आपको मेरे साथ रीड करना, ओके, यस। ओपन योर बुक, कर ली सबने ओपन, पेज नंबर 10, ओपन योर बुक पेज नंबर 10, चैप्टर नंबर 3, F U N C T I O N S, function, O F of, B O D by body, P A R T S parts, function of body parts। आज हम लोग किस क्या करेंगे, चैप्टर रीड में, चैप्टर थर्ड में क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं उसके बारे में रीड करेंगे। O you are our, B O D by body, I S is, M A D E mad, U P up, O F off, M A N by many, P A R T S parts, our body is made up of many parts। हम लोगों की बॉडी किससे बनती होती है, मैनी पार्ट्स यानी बहुत सारे पार्ट्स से मिलकर बनी होती है, यस। नेक्स्ट है ई ए सी एच, ईच, पी ए आर टी आर पार्ट, पी ई आर एफ ओ आर एम एस परफॉर्मेंस, एस पी ई सी आई ए एल स्पेशल, एफ यू एन सी टी आई ओ एन फंक्शन, ईच पार्ट परफॉर्मेंस स्पेशल फंक्शन, सबके अलग अलग फंक्शन होते हैं, हर पार्ट के अलग अलग स्पेशल फंक्शन होते हैं, यस। एश ओ सो ई ए सी एच ईच, पी ए आर टी पार्ट, ओ एफ ऑफ, टी एच ई द, बी ओ डी वाई बॉडी, आई एस ईज, यू एस ई एफ यू एल यूजफुल, टू टी ओ टू यू एस एस, each, so each part of the body is useful to us, अपनी part, body के parts होते हैं बहुत सारे, वो क्या होते हैं, सारे useful होते हैं, अपने useful यानी अपनी help करते हैं, अपनी use में आते हैं, yes। L E T S, lets,
L E A R N learn T H E D F U N C T I O N S function O F of S O M E sum E X T E R N A L external B O D Y body P A R T S parse let's learn the function of some external body parts आज हम क्या करेंगे किसके बारे में लर्न करेंगे यस एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स मैंने आपको बताया था एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स मींस जो हम लोग देख सकते हैं उनको क्या बोलते हैं एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स और जो हम नहीं देख सकते उनको बोलते हैं इंटरनल बॉडी पार्ट्स तो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स में हम लोग करेंगे ए आर एम एस आर्म्स एच ए एन डी एस हैंड्स A N D and F I N G E R S fingers, arms, hands and fingers के बारे में हम क्या इनके फंक्शन होते हैं इनके बारे में जानेंगे तो W E V U S E use O U R our A R M S arms H A N D S hands A N D and F I N G E R S fingers A L T O U G sorry A L T O G E T H E D all together T O D O do S O M E sum W O R A verb we use our arms hands and fingers all together to do some work hands arms and fingers क्या होते हैं ये तीनों साथ में मिलकर सारा काम करते हैं अपना yes वी इनके फंक्शन क्या होते हैं उसके बारे में देखते हैं फर्स्ट है एच ओ एल डी होल्ड टी एच आई एन जी एस थिंग्स होल्ड थिंग्स यानी किसी चीज को पकड़ना एल आई एफ टी लिफ्ट टी एच आई एन जी थिंग्स लिफ्ट थिंग्स पी यू एस एच पुश टी एच आई एन जी एस पुश थिंग्स एम ए के ई मैक T H I N G S मैक थिंग्स पुश थिंग्स यानी किसी को चीज को पुश करना मैक थिंग्स यानी किसी चीज को बनाना C L E N क्लीन T H I N S थिंग्स क्लीन थिंग्स किसी चीज को साफ करना D R O W ड्रो T H I N G S थिंग्स ड्रो थिंग्स किसी चीज को अपन ड्रो करते हैं ना पिक्चर यस किसे करते हैं फिंगर्स और हैंड्स ही करते हैं यस T H R O W throw T H I N G S things throw things यानी किसी चीज को फेंकते throw means फेंकना किसी चीज को फेंकते तो किससे फेंकते हैं अपने हाथ और हैंड्स और फिंगर से ही फेंकते हैं yes अपने हाथों का यूज करते हैं ना किसी चीज को फेंकने के लिए yes and next है H I T hit T H I N G S things किसी चीज को हिट यानी मारना किससे मारते हैं हाथ से मारते हैं हैंड से करते हैं यस हैंड का यूज करते हैं ना किसी चीज को हिट करने के लिए वेरी डब्ल्यू आई टी एच विथ ओ यू आर अवर ए आर एम एस आर्म्स एच ए एन डी हैंड्स ए एन डी एंड एफ आई एन जी आर विथ अवर आर्म्स एंड्स एंड फिंगर्स ये सारे साथ में होते हैं हमारे यस बच्चों ये देखो W E V U S E use O U R our F I N G E R S fingers A N D and T H U M B thumb W H I L E V W R I T I N G writing S O M E T I N G think something W E V sorry we use our fingers and thumbs while writing something अपन अपनी फिंगर्स और थम्स किसे किसी भी राइट करते ना लिखते ना ये अगर फिंगर्स और थम नहीं होगे तो हम लोग राइट भी नहीं कर सकते तो वी डब्ल्यू वी डब्ल्यू ओ यू एल डी वोल्ड वुड एन ओ टी नॉट बी ई बी ए बी एल ई एबल टी ओ टू डब्ल्यू आर आई टी राइट एफ आई एफ इफ W E V D O N T don't H A V E have T H E the T H U M B thumb we would not be able to write if do not have the thumb अगर thumb नहीं हो तो हम लोग
राइट भी नहीं कर सकते फिंगर से, ओनली फिंगर से राइट कर सकते हो? नो, थंब से ही हम लोग राइट करते हैं. नेक्स्ट है देखो, सी ए एन कैन, वाई ओ यू आई एन डी आई सी के सी ए टी ई, इंडिकेट, एस ओ एम आई सॉरी ई टी आई एन जी, थिंग समथिंग, ई ए एस आई एल वाई ईजीली, डब्ल्यू आई टी एच ओ यू टी विदाउट वाई ओ यू आर, योर एच ए एन डी एस हैंड्स. कैन योर इंडिकेट समथिंग ईजीली विदाउट योर हैंड्स? इंडिकेट यानी किसी को दिखाना. हम किससे दिखाते हैं? जैसे ये मेरे फिंगर से मैं बोलूँगी ये बॉय है, तो मैं किससे दिखा रही हूँ? इंडिकेट किससे कर रही हूँ? अपनी फिंगर से कर रही हूँ ना, तो या अपने हैंड से करती हूँ ना. हैंड से ऐसे किसी को ईजिली बोलते हैं, हाँ वो देखो मेरा भाई है, वो मेरा हाउस है, मेरा घर है, मेरा स्कूल है. तो हम किससे इंडिकेट करते हैं? अपनी हैंड से करते हैं. अगर विदाउट हैंड्स, अगर हैंड्स नहीं हो तो हम किसी को इंडिकेट कर सकते हैं? नो. सी ए एन कैन, वाई ओ यू ई ए टी ईट, एस ओ एम ई टी आई एन जी समथिंग, ई ए एस आई एल वाई ईजिली, डब्ल्यू आई टी एच ओ यू टी विदाउट Y O U R, your H A N D S hands. Can you eat something easily without your hands? कि अगर hands नहीं होती अब हम लोग easy से खाना खा सकते हैं? Eat यानी खाना, खा सकते हैं क्या? No. तो hands हैं तो हम लोग easily खाना खा सकते हैं. I T eat, I S is, O U R our, G R I P grip, W H I C H which, M A K E S max, T H E the, T H O U H tough, T A S T A S K task, E A S Y easy, F O R 4 U S S it is our grip which make the tough task easy for us. यस, अगर हैंड्स नहीं हो तो अपन टफ टास्क भी इजी कर सकते हैं? नो. अगर हैंड्स हैं तो हम लोग टफ टास्क को भी इजी कर सकते हैं. नेक्स्ट है पेज नंबर 11. पेज नंबर 11. यस, अब हम लोगों ने आर्म्स, हैंड्स एंड फिंगर्स के बारे में देखा. अब हम लोग देखेंगे लेग्स एंड फिट्स के बारे में. यस, अब हम लोग करेंगे लेग्स एंड फिट्स. L E G S legs, A N D and F W E feet, legs and feet. External body parts है ये भी? Yes. क्योंकि हम लोग इनको देख सकते हैं. W E V U S E use, O U R our, L E G S legs, A N D and F W E feet, T O 2 P E R F O R M perform, S O M is some, A C T I O N action. We use our legs and feet to perform some action. Legs and feet क्या करते हैं? एक साथ में कोई action करते हैं. सारा action यानी सब कुछ काम एक साथ करते हैं वो लोग. Movement, action, हरकत है ना. W E V S T A N D stand यानी खड़े होना. लेग्स और फिट से हम लोग खड़े होते हैं. R U N run, run यानी भागना. लेग्स और फिट से ही हम रन कर सकते हैं, भाग सकते हैं. W A L K walk चलना. चल हम लेग्स और फिट्स के द्वारा ही चलते हैं. नेक्स्ट है G U M P jump कूदना. किससे कूदते हैं? किसके द्वारा कूदते हैं? लेग्स एंड फिट से. यस. C L I M बी क्लिम यानी क्लाइम यानी चढ़ना. हम तो लेग्स और फिट्स के द्वारा ही सीढ़ियाँ चढ़ते हैं. यस, उतरते भी सीढ़ियाँ हैं. किससे? लेग्स एंड फिट्स के द्वारा ही. यस. सी आई के सी आ सॉरी के आई सी के किक. के आई सी के किक. किक यानी किसी चीज को किक करना, मारना. नेक्स्ट है आर आई डी ई राइड यानी राइडिंग करते हैं. किससे करते हैं? अपने लेग से करते हैं. यस. डब्ल्यू आई टी एच विथ ओ यू आर अवर एल ई जी एस लेग्स ए एन डी एंड एफ डबल ई टी फिट विथ अवर लेग्स एंड फिट.
ये सारे काम हम अपने लेग्स और फिट्स के द्वारा करते हैं। T H E D K N E नी H E L P S हेल्प्स T O 2 F O L D fold A N D end U N F O L D fold and fold T H E D L E G leg. So the knee helps to fold and unfold the legs. Yes, knee होता है, knee means घुटना, वो हम लोगों को क्या करता है, legs को fold करता है और unfold भी करता है. Yes. Next है अब अपना legs and fit कर लिया, अब है S H O U L D E R S shoulders A N D and B A C K back shoulder and back के बारे में, इनके क्या फंक्शन होता है उनके बारे में जानेंगे. तो ये फर्स्ट यस W E V H A V H A V E have T W O 2 S H O U L D E R shoulders A N D and A B A C K back. We have two shoulder and a back. हम लोगों के पास टू शोल्डर होते हैं, दो कंधे होते हैं और एक पीठ होती है ना. यस टू शोल्डर एंड वन ए बैक. यस डब्ल्यू वी. अब शोल्डर एंड बैक के क्या फंक्शन होते हैं उसके बारे में रीड करेंगे. तो फर्स्ट है ले वाई ले डी ओ डब्ल्यू एन डाउन ले डाउन यानी लेटना, पीठ के द्वारा हम लोग लेटते हैं सोते हैं. यस सेकेंड है सी ए डबल आर वाई कैरी सी ए डबल आर वाई कैरी एल ओ ए डी एस लोड्स कैरी लोड्स भारी वस्तुओं को अपनी पीठ पे ही लोड्स करते हैं उठाते हैं ना. जैसे आपका स्कूल बैग है बच्चों, आप स्कूल बैग किस पे कैरी करते हो, शोल्डर एंड बैक पे करते हो. यस ओ एन ऑन ओ यू आर अवर एस एच ओ यू एल डी आर एस शोल्डर ए एन डी एंड बी ए सी कैप बैक W E V P U S H push T H I N G S things W I T H with T H E the H E L P help O F off O U R our S H O U L D R S shoulders on our shoulder and back we push things with the help of our shoulder. Yes, किसी चीज को push करते आगे की तरफ ले जाते हो तो कैसे ले जाते हैं, अपने शोल्डर एंड बैक की तरफ. जैसे आपका बैग होता है तो आप उसको एक से दूसरी जगह ले जाते हो. जैसे आप अपने घर से स्कूल के उस स्कूल में ले जाते हो तो कैसे ले जाते हो, यस शोल्डर एंड बैक की तरफ की मदद से ले जाते हो ना, शोल्डर पे कैरी करते हो. यस नेक्स्ट है अपना शोल्डर एंड बैक हो गया, अब है एम ओ यू टी एच माउथ. अब माउथ का क्या क्या फंक्शन होते हैं उसके बारे में. डब्ल्यू वी ई ए टी एट सॉरी ई ए टी ईट ई यानी यस खाना ईट यानी खाना एस पी ई के स्पीक स्पीक यानी बोलना एल ए यू जी एच लाफ डब्ल्यू आई टी एच ई विथ ओ यू आर अवर एम ओ यू टी एच माउथ We eat, speak, laugh with our mouth. Yes, eat means खाना, speak means बोलना, laugh means हंसना. Yes, बच्चों, mouth से ही हम लोग eat यानी खाना खाते हैं, speak means बोलते हैं, laugh means हंसते हैं. अगर mouth नहीं हो तो हम लोग ये तीनों चीज़ें नहीं कर सकते. Eat यानी eat means खाना भी नहीं खा सकते, speak means बोल भी नहीं सकते, laugh means हंस भी नहीं सकते अगर mouth नहीं होता तो. यस बच्चों, आज हम लोगों का चैप्टर 3 रीड कर लिया. अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 टिक द करेक्ट आंसर. तो आपको मेरे साथ राइट डाउन करना है नीट एंड क्लीन राइटिंग. ओके यस बच्चों, अब हम लोगों ने चैप्टर रीड कर लिया, ये थर्ड चैप्टर हमने रीड कंप्लीट कर लिया. अब हम करेंगे उसके क्वेश्चन आंसर. तो फर्स्ट है ए टी आई सी के टिक T H E D C O R R E C T correct O P R T I O N option tick the correct option. हम लोगों को क्या करना है, जो राइट सही आंसर है उस पर क्या करना है, टिक करना है. तो फर्स्ट है अपना W E V U S E use O U R our H A N D S hands T O 2
वी यूज अवर हैंड्स टू, आप अपने हैंड से क्या करते हो, हैंड्स का कैसे यूज करते हो, हाथों का यूज कैसे करते हो? तो फर्स्ट ऑप्शन है ए, डब्ल्यू आर आई टी ई, राइट यानी लिखना, जी यू एम पी जम्प यानी कूदना, सी एल आई एम पी क्लिम, क्लिम्प यानी चढ़ना, यस क्लाइम्प यानी चढ़ना, राइट यानी लिखना, जंप यानी कूदना, क्लाइम्प यानी चढ़ना। तो आप अपने लेग्स ये हैंड से क्या करते हो, राइट करते हो, जंप करते हो, नो, क्लिम्प करते हो, चढ़ते हो, नो। तो इसका क्या आंसर होगा, ए करेक्ट आंसर होगा इसका, तो हम लोग ए पे टिक करेंगे, राइट। आप अपना हैंड का यूज़ कैसे करते हैं, राइट करने में, यस। अभी क्या कर रहे हो आप, राइट ही कर रहे हो, यस। आपको मेरे साथ थर्ड ऑन कर रहे हो ना बच्चों, वेरी गुड, नीट एंड क्लीन राइटिंग में वर्क होना चाहिए आपका। नंबर सेकंड है डब्ल्यू ई वी पी यू एस एच पुश, पी एच आई एन जी एस थिंग्स, डब्ल्यू आई टी एस वीट, टी एच ई द, एच ई एल पी हेल्प, ओ एफ ऑफ, ओ यू आर अवर। We push things with the help of our। आप अपने किसी things को, किसी चीज़ को push करते हो, किसकी help लेते हैं? First option इसका अली जी legs, legs का करते हो, leg means pair, इसका करते हो, no। F I N G E R S fingers, fingers का push, fingers से push करते हो बस, no। Next है number C, S H O U L D E R S shoulders, yes। Shoulder से हम किसी चीज़ को push करते हैं, shoulder पे हम लोग करेंगे टिक, yes। बच्चों आज हम लोगों ने chapter 3 complete read कर लिया और उसके टिक द करेक्ट आंसर भी कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।